वहीं बांदा में प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनबाजी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। 28 अक्टूबर को एक लाभार्थी ने विभाग में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि संदीप कुमार नामक एक व्यक्ति जो विभाग से संबंधित है, उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अगली किस्त जारी करने के लिए 15,000 रुपए मांग रहा है। लाभार्थी ने कहा कि बिना पैसे लिए किस्त जारी नहीं कर रहा। जब उससे आवास बनाने के लिए किस्त जारी करने की मांग की जाती है तो वो कहता है कि पहले 15,000 रुपए दो, उसके बाद बात करेंगे। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को लाभार्थी ने जमकर उपद्रव किया और वहीं जिला बचत अधिकारी प्रभारी योजना अधिकारी डूडा राकेश जैन से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि लाभार्थी की एक किस्त 50,000 रुपए की पहले ही जारी की जा चुकी है, जबकि दूसरी किस्त जियोटेक होने के बाद जारी कर दी जाएगी। साथ ही परियोजना अधिकारी डूडा राकेश जैन ने कहा कि अगर लाभार्थी के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी या फिर जो दलाली के नाम पर पैसे ले रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाएगी और अगर संस्था दोषी पाई जाती है तो जिला अधिकारी के माध्यम से संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने की संस्तुति शासन को भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा का फार्म हम लोग भरे हैं, ये लोग क्या कहते हैं 15,000 रुपए कमीशन दे तब तुम्हारी किस्त पहुंचेगी। कौन मांग रहा? ये संदीप है, उसका भी फोन किया हम लोग के घर में। मेरे घर में फोन किया, अभी फोन किया है। ये लोग कहते हैं ऐसा काम करो, नहीं काम सुनते नहीं है, फोटो कहते हैं ऐसा हो ऐसा घुमा देते हैं। लाभार्थी के द्वारा बताया गया कि संदीप नाम का कोई है हमारा जो संस्था का कर्मचारी है, वो उसके पास गया है, उससे पैसा मांग रहा है, उसका फाउंडेशन का जियोटेक नहीं किया है। इस संबंध में मैंने संबंधित संदीप से भी तत्काल लाभार्थी के सामने आप लोगों की उपस्थिति में उससे वार्ता की। उसका कहना है कि मेरे द्वारा कोई पैसे की मांग नहीं की गई है, मैंने केवल इतना उससे पूछा है टेलीफोन पर कि आपने फाउंडेशन का करवा लिया हो तो मैं आपका